नमस्कार दोस्तों, भारत की टीम को पिछले काफी समय से हमने एक ही जर्सी में देखा है। हालांकि एशिया कप और पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जर्सी में थोड़ा बहुत बदलाव आया था। अब इस साल चूंकि विश्व कप है तो इसलिए भारतीय टीम खिलाड़ी अब एक बार फिर से बदली हुई जर्सी में नजर आएंगे और इसी वजह से शुक्रवार को 1 मार्च को हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले वनडे से पूर्व टीम इंडिया की नई जर्सी जो है वो जारी कर दी गई है। और इस दौरान कप्तान विराट कोहली, विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी, टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज जेम्मा रॉड्रिगेज भी वहां पर मौजूद थी। हर बार जब नई जर्सी का अवलोकन किया जाता है तब महिला और पुरुष दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को बुलाया जाता है और भारतीय टीम अब इस जर्सी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले वनडे में खेलते हुए नजर आ सकती है। इसके बाद विश्व कप 2019 के मैचों में भी भारत के खिलाड़ी इस जर्सी में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। पूर्व कप्तान एमएस धोनी के लिए जर्सी काफी खास होगी क्योंकि शायद इसी जर्सी में वो अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेल रहे होंगे। जर्सी के अनुसार कई लोग भाग्य को भी मानते हैं। इसका उदाहरण टी20 विश्व कप 2012 में देखने को मिला था जब भारत ने फिर से वही जर्सी पहनी थी जो उसने वर्ल्ड कप 2011 में पहनी थी। तो अब देखना होगा कि ये जर्सी भारत के लिए कितना भाग्य लेकर आती है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।